हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक एंड कुक। तो आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले तो सभी के घर पर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वो उतने सॉफ्ट नहीं बनते, हार्ड हो जाते हैं, टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता और फूलते भी नहीं हैं। तो आज मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जिससे आपके दही भल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और रुई की तरह सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है 250 ग्राम्स उड़द दाल, जिसे हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था। और अब हम इसका पानी निकाल कर इसे वॉश करके मिक्सी में डाल देते हैं। अगर किसी वजह से आप ओवरनाइट सोक नहीं कर पा रहे तो आप उसे 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा दें। नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं नमक और ज़ीरा, और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो इसे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, 3 से 4 चम्मच ठंडा पानी यूज़ करें, जिससे आपके दाल का कलर पीला नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने इसे बहुत स्मूथ ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल दरदरी ना रखें, नहीं तो आपके दही बड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है फेंटना। ये चम्मच से उतनी अच्छी तरह से नहीं फिट पाता है। अब हम इसे फेंटते हैं हाथ से, और आपको इसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छी तरह फेंटना है। तब तक फेंटना है जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। और एक डायरेक्शन में इसलिए हम फेंटते हैं ताकि इसमें हवा भर जाए, और अगर आप उल्टे डायरेक्शन में फेंट दोगे तो उससे जो आपने हवा भरी है वो सभी निकल जाएगी और आपके बड़े जो हैं, भल्ले जो हैं, वो उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। देखिए, ये बहुत क्रीमी हो गया है, मतलब हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो देखिए, हमने इसे बहुत अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो ब्लेंड करते हुए भी डाल सकते हैं हरी मिर्च मिक्सी में, और एक बार फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तब तक हमने पैन में ऑयल हीट करने के लिए रख दिया है, और जब हम इसे फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। देखिए, मैंने अपने फिंगर्स पे पानी नहीं लगाया, इस तरह से आपका भल्ले का शेप ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप फिंगर्स पे पहले पानी लगाइए ताकि जो बैटर है वो आपके हाथों में ना चिपके और इस तरह से गोल गोल भल्ले बने। तो देखिए, ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक फूलने लगेंगे और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, हमने सभी भल्लों को डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और इस पर अच्छा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है और ये काफ़ी फूल भी गए हैं। ध्यान रहे, आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। देखिए, हमारे भल्ले रेडी हो गए हैं और काफ़ी फूल भी गए हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने सभी भल्लों को निकाल लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करोगे तो वो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, मैं बताती हूँ आपको ये कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको कट करके बताऊँगी। तो देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, और देखिए बहुत ही रुई की तरह सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए, अब हमें इसे डिप करना है पानी में। हमने हल्का सा वार्म वाटर लिया है, गुनगुना पानी, उसमें हम इन सभी भल्लों को डाल देंगे और इसे आधा घंटे के लिए पानी में रख देते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छी तरह से फूल जाएंगे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने लिया है दही, उसमें हम डाल देते हैं चीनी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले और ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि भल्ले पर जब ठंडा दही जाता है तो उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, हमने इसमें चीनी डाल के दही को मीठा कर लिया है, और हमारे भल्लों को भी आधा घंटा लगभग हो गया है। अब हम इसका पानी हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे। आपको इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करना है और उसका पानी स्क्वीज़ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम स्क्वीज़ करेंगे इनका पानी। आप देख सकते हैं इसका साइज़ और भी बड़ा हो गया है, भल्लों ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और वो और सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हम सभी भल्लों को निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं, हमने सभी भल्लों को निकाल लिया है।
अब भल्ले तो रेडी हो गए, अब हम बनाते हैं इसे पूरी तरह दही भल्ले। तो मैं इस तरह से कुछ भल्लों को पहले ले लेती हूँ और अब हम इस पर डालेंगे ये दही जो हमने पहले से ठंडा करके रखा है और उसमें चीनी डाल दी थी हमने। दही भल्लों का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दही। आप दही बहुत सारा डालें। तो देखिए हमने काफ़ी सारा दही इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे कुछ रेड चिली पाउडर। देखिए हमने रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाले से दही भल्लों का टेस्ट और एनहांस हो जाता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आप चटनी की कोई भी रेसिपी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अब इसमें डाल देते हैं हम ग्रीन चटनी जो हमने हरे धनिया और पुदीना से बनाई है। तो देखिए अब हमारे दही भल्ले रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे दही भल्ले रेडी हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं और 100% टेस्टेड रेसिपी है। आप सभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे फ्लफी और स्पॉन्जी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।